स्टूडेंट, आज हम अपने लेक्चर नंबर 3 की तरफ चलेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 जो है हमारा चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 2 का पेज नंबर है हमारे पास 33। ठीक है जी, 33 के ऊपर आपके पास जो 2.3 आर्टिकल है, 2.3 आर्टिकल है वो बेसिकली क्या है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है जी, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है जी, स्केलर एंड वेक्टर्स बेसिकली क्या चीज़ें होती हैं, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिसमें जस्ट आपको कम्प्लीटली बस उसकी मैग्नीट्यूड बताई गई हो। मसलन किसी बॉडी का मास है वो 4 किलोग्राम है। ठीक है जी, 1.5 लीटर आपके पास बॉटल है, कोई भी बेवरेज है, कोक है, स्प्राइट है, एनी काइंड ऑफ बॉटल, सिर्फ जस्ट उसने क्या बताया आपको, 1.5 लीटर कोक की बोतल है, 1.5 लीटर स्प्राइट की बोतल है। दैट मैग्नीट्यूड ओनली डिस्क्राइब, डेट क्वान्टिटी ओनली डिस्क्राइब, मैग्नीट्यूड ओनली डेट इज कॉल्ड स्केलर क्वान्टिटी। ठीक है जी, ये पिंक ब्लॉक के ऊपर आपके पास इसकी हेडिंग होगी, उसको आपने इन्वर्टेड कॉमा में लेना है। ठीक है, उसके ऊपर लाइन के ऊपर आपके पास उसी पिंक लाइन के ऊपर एग्जाम्पल्स हाईलाइट होंगी स्केलर क्वान्टिटी की, वो आपने हाईलाइट करनी है पेज नंबर 33 के ऊपर। ये देखें, ये है आपके पास एग्जाम्पल्स। ठीक है जी, एग्जाम्पल्स की आपने हेडिंग देनी है, स्केलर क्वान्टिटी की मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी, ये तमाम के तमाम जो मैग्नीट्यूड हैं। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी, इसमें जस्ट आपको मैग्नीट्यूड ही बतानी होती है, ये तमाम क्वांटिटीज़ में सिर्फ आपने क्या करनी थी, मैग्नीट्यूड बतानी होती है। जस्ट फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 4.5 फुट है। ठीक है जी, फुट में सिर्फ आपने उसका से मैग्नीट्यूड का यूनिट बता दिया, टाइम कितना है 4 hours 30 minutes हो गए, स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर या 30 meters per second, वॉल्यूम है 30 meter cube है, वर्क है, एनर्जी है, इस तरह की तमाम क्वांटिटीज जो सी होती हैं वो आपकी बेसिकली क्या कहलाती हैं, आपकी स्केलर क्वांटिटी आती हैं। हम अपनी नेक्स्ट क्वांटिटीज़ की तरफ चलते हैं, जो नेक्स्ट मैग्नीट्यूड्स होती हैं डेट इज़ कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, डेट इज़ कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है जी, वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लस साथ में उसकी क्या बताई जाती है, डायरेक्शन बताई जाती है। क्या बताई जाती है, डायरेक्शन बताई जाती है। ठीक है, जब ये दोनों चीज़ें किसी भी क्वांटिटी की डिस्क्राइब की जाएंगी या ये दोनों चीज़ें किसी भी क्वांटिटी के अंदर पाई जाती होंगी, डैट इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी, उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, मोमेंटम है, टॉर्क है, ये तमाम की तमाम मैग्नीट्यूड हैं, तमाम की तमाम क्वांटिटी हैं जिनको हम आगे जाके पढ़ेंगे, जिसमें आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि इनकी डायरेक्शंस कैसे होती हैं। ठीक है जी, आप इसके अंदर पिंक ब्लॉक के अंदर आपके पास हाईलाइट है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज़ मेकिंग, ये पिंक ब्लॉक में इसकी डेफिनेशन है, ये आपने इन्वर्टेड कॉमा में लेनी है। ठीक है जी, और इसकी एग्जाम्पल्स हैं, ये आपके पास एग्जाम्पल्स ऑफ द वेक्टर क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क एंड ETC। ठीक है जी, आपने एग्जाम्पल की हेडिंग देनी और साथ में आपने क्या करनी, इनकी एग्जाम्पल्स लिखनी है। ठीक है जी, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो पेज नंबर 34 के ऊपर आएगा कि हमने इनको रिप्रेजेंट कैसे करना है, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है जी, जारी बात है, वेक्टर क्वांटिटीज़ को आमतौर पर स्केलर क्वांटिटीज़ की तरह रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है सिम्बॉलिक, सेकेंडली हमारे पास क्या होता है, ग्राफिकली। क्या होता है, ग्राफिकली। ठीक है जी, सिम्बॉलिक में क्या होता है, सिम्बॉलिक में होता है जस्ट आप उस क्वांटिटी का कोई भी नेम, सच वन लेटर आप रख लेते हैं, A to Z कोई भी आप लेटर रख लेते हैं, मसलन स्पीड है उसका आप V रख लेते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, या तो आप वो लेटर बहुत ज़्यादा बोल्ड करके लिखें, यानी कि मार्कर वगैरह के साथ लिखें। ठीक है जी, या आप उसको जब भी लिखेंगे उसके ऊपर छोटा सा क्या लगा देंगे, आप एरो लगा देंगे। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं डेट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिम्बॉलिक मेथड, इसको हम कहते हैं सिम्बॉलिक मेथड कहते हैं वेक्टर्स का। किसी वेक्टर क्वांटिटी को सिम्बॉलिक तौर पर हमने रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, हम जस्ट उस लेटर के ऊपर, मसलन फोर्स है एफ के ऊपर, आप क्या करें, छोटा सा एरो लगा दें, जो कि क्या बताता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी, जबकि ऊपर जो कि हमने, मैंने आपको भी बताया, ये मास है, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई हम लेटर अप्लाई, कोई किसी किस्म का कोई मार्क शो नहीं करते। जब वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उसको सिम्बॉलिक तौर पर रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका कार होता है कि हम या तो उसको बोल्ड करके बड़ा वाजे अल्फाज में लिखें, या सेकंडली उस क्वांटिटी के नेम के ऊपर हम क्या करें, छोटा सा क्या करें, हल्का सा हम एक छोटा सा क्या करें, एक एरो बना देते हैं। ठीक है जी, दूसरा मेथड जो है ग्राफिकली, ग्राफिकली तरीका कार होता है जिसको हम लाइन सेगमेंट तरीका कार कहते हैं। मसलन आप एक किसी भी चीज को, किसी भी क्वांटिटी को एक लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो कि सिलेक्टेड स्केल होता है। सिलेक्टेड स्केल क्या है, मैं आपको बता देता हूँ।
इसके लिए सबसे पहले हमने डिज़ाइन करना होता है स्केल को। किसको डिज़ाइन करना होता है? स्केल को। मतलब आपके पास फोर्स है, ठीक है, फोर्स है 40 न्यूटन है, ठीक है जी। अब 40 न्यूटन आप ड्रॉ नहीं कर सकते स्केल के ऊपर, लेकिन आप इसको स्केलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो किसना कन्वर्ट कर सकते हैं? स्केल तैयार करेंगे, उसमें आप कहेंगे 10 न्यूटन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। तो 40 न्यूटन किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास? 4 सेंटीमीटर के। तो आप इसको ग्राफिकली कैसे, 4 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन लगाएंगे। ये जो लाइन कहलाती है इसको हम कहते हैं सेगमेंट लाइन। कहते हैं क्या? कहते हैं हम सेगमेंट लाइन कहते हैं, ठीक है जी। और जब हम इसके एक सिरे के ऊपर क्या करेंगे, एक एरो बना देंगे, डेट इज कॉल्ड द हेड ऑफ द क्वांटिटी या हेड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। और ये चीज इसकी क्या कहलाएगी? आपकी टेल कहलाएगी, ठीक है जी। आपकी एग्जाम्पल 2.1 है, ठीक है। अगर उसको आप साथ में एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मजीद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लिहाजा आज हमने दो चीजें क्लियर की हैं, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी आमतौर पर लिखी जाती है, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होती है, डायरेक्शन की जरूरत होती है। और कहते हैं डायरेक्शन को या वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड होते हैं, एक सिंबॉलिक होता है, दूसरा क्या होता है, ग्राफिकल होता है। जो सिंबॉलिक होता है, जस्ट आपने उस लेटर को बोल्ड करके बड़ा वाजिया करके लिखना होता है, या आपने उस लेटर के ऊपर हल्का सा छोटा सा क्या करना होता है, एरो बनाना होता है। सेकेंडली जो मेथड होता है उसको हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड कहते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, स्केल सेलेक्टेड करना होता है, ठीक है जी बेटा। ये आपका आज का लेक्चर नंबर 3 हो गया, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का जी। अस्सलाम वालेकुम एंड बेस्ट ऑफ लक।